जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। 5 घंटे तक मेन हाईवे रहा जाम, आदिवासियों के आरक्षण के हंगामे लगातार जारी। आरक्षण मसले पर सीएम आवाज कहने के लिए प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका तो बीच में ही बवाल हो गया। रायपुर की सड़क पर तकरीबन 5 घंटे तक आदिवासी समुदाय के लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आरक्षण के मसले पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद बड़ी तादाद में आदिवासी प्रदर्शनकारी जुलूस निकालकर सीएम आवास घेरने निकल पड़े। पुलिस ने इन्हें रोक दिया और प्रदर्शनकारी बैरिकेटिंग पर चढ़कर लाठियां चलाने लगे। बूढ़ापारा की सड़क पर काफी देर तक यूं ही बवाल चलता रहा। पुलिस के साथ धक्का मुक्की होती रही और जब आगे जाने में प्रदर्शनकारी कामयाब नहीं हो सके तो सड़क को जाम करके बैठ गए। घंटों तक इनका धरना सड़क पर चलता रहा। पुलिस ने भी इन्हें हटा नहीं सकी और ऐसे में देर शाम होने के बाद प्रदर्शनकारी नए सिरे से प्रदर्शन करने की चेतावनी के साथ लौटने लगे। उपचुनाव में अब यहां पर पता चलेगा कि आखिरकार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय कमरू, इन्होंने कहा कि 32% आरक्षण को कम कर दिया गया, इसी वजह से यहां लोग सभी आए हुए हैं, समाज में नाराजगी है। 2012 में आरक्षण का हक मिला था और अब वर्तमान में ये आरक्षण कम कर दिया गया। कोर्ट में जो बात आरक्षण को लेकर रखी जानी चाहिए थी नहीं रखी गई और इसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया। संजय कमरू ने आगे कहा कि इसकी वजह से जो बस्तर और सरगुजा संभाग में स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिलती थी वो भी अब खत्म हो गई है और अब इसका परिणाम उपचुनाव में पता चलेगा, इस बात की चेतावनी इनके द्वारा दी गई है वर्तमान सरकार को। घरों में QR कोड वाला LPG सिलेंडर पहुंचने वाला है। सरकार के इस फैसले से अब कोई भी गैस चोरी नहीं कर पाएगा। बात करें तो कभी भी आपको ऐसा लगा होगा कि आपके घर पर डिलीवर्ड हुए सिलेंडर में गैस कम निकली है, तो अब आपकी यह चिंता दूर होने वाली है क्योंकि अब सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से घर के इस तरह की चोरी नहीं हो सकती है। अब आपके घर पर QR कोड वाला सिलेंडर आने वाला है जिससे गैस चोरी करने वालों को ट्रैक करने में आसानी होगी। सरकार द्वारा जारी की जा रही इस नई व्यवस्था से LPG सिलेंडर के गैस चोरी करने वाले लोगों में डर व्याप्त होगा जिसकी वजह से ऐसा करने से पहले वे 10 बार सोचेंगे। दरअसल ऐसे में आम आदमी को एक बड़ा फायदा होगा क्योंकि गैस चोरी पर लगाम लगने के बाद उन्हें पूरे पैसे पर पूरी गैस मिलेगी। वर्तमान में अगर कोई डिलीवरी मैन चुपके से आपके बुक किए गए सिलेंडर से गैस निकाल लेता है तो आपको पता चलने पर उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है, मगर जब QR कोड से सिलेंडर लैस होगा तो इसके बाद से गैस चोर बचकर भाग नहीं पाएंगे। QR कोड से इसकी जानकारी होगी क्योंकि आपको बता दें कि जब QR कोड से लैस सिलेंडर होंगे तो इस बात का पता आसानी से लगाया जा सकेगा कि इसमें कितनी बार रिफिलिंग हुई है और इसके अतिरिक्त ये डेटा भी मौजूद रहेगा कि किस डीलर से किसकी डिलीवरी ली गई है। भानुप्रतापपुर का दंगल शुरू हो चुका है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन हो गया है। सीएम भूपेश बघेल के साथ थार में सवार होकर के सावित्री आई, रमन सिंह के साथ भाजपा के नेताम पहुंचे। दरअसल भानुप्रतापपुर में होने वाले उपचुनाव में अब फुल सियासी एक्शन देखने को मिलेगा। बीते दिन भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म जमा करा दिए हैं। सबसे पहले दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर भाजपा के लोग नामांकन जमा करने कलेक्टर दफ्तर गए। इसके बाद बारी आई कांग्रेसियों की। पुलिस का खास बंदोबस्त था और शहर से होते हुए कांग्रेसियों का समूह नामांकन जमा करने गया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों और उम्मीदवारों को लेकर उनके समर्थक ने जो बंदोबस्त किया था वो रोचक रहा। भाजपा के ब्रह्मानंद नेताम, जो पहले भी भानुप्रतापपुर सीट से विधायक रह चुके हैं, उन्हें छोटे मालवाहक में सवार कराया गया। फूलों से सजी इस गाड़ी में कांकेर के सांसद मोहन मंडावी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी सवार थे। बेकाबू बस ने 3 लोगों को कुचल दिया जिससे बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ कर दी। बात कर रहे हैं हम दुर्ग में, जहां पर बीती रात तेज रफ्तार बस ने ननकट्टी गांव के पास बाइक को अपनी चपेट में लिया जिसकी वजह से बाइक में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों ने वहां चक्का जाम कर दिया और बस में जमकर तोड़फोड़ की गई। सूचना मिलने पर अब मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल को शांत कराया। पूरी घटना नंदिनी थाना क्षेत्र की है और नंदिनी थाना प्रभारी राजेश मिश्रा के मुताबिक बीती रात 7 से 8 बजे ननकट्टी और कोडिया के बीच सड़क हादसा हुआ। बस जो है धमधा से दुर्ग की ओर जा रही थी।
कागजों में ही केवल प्लान अब बनते नजर आ रहे हैं। नए में 116 सड़कों का प्रस्ताव है, लेकिन अब पुराने ही नहीं बन पाए हैं। 2006 में आबादी 8 लाख, 2022 में 16 लाख, तब का प्लान अब तक अधूरा है। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य बनने और राजधानी रायपुर के बनने के बाद से अब तक 3 मास्टर प्लान आ चुके हैं। इस दौरान रायपुर की जनसंख्या तकरीबन 8 लाख से बढ़कर 16 लाख पर जा पहुंची है। इससे भी शहर का विस्तार भी लगभग 3 गुना तक हो गया। लेकिन साल 2006 और साल 2011 के मास्टर प्लान में प्रस्तावित कई सड़कें आज तक नहीं बन पाई है। कुछ सड़कों का चौड़ीकरण भी हुआ है तो कम, लेकिन इसकी मुख्य वजह शहर के अनियंत्रित विकास पर सरकारी एजेंसियों का नियंत्रण नहीं रहा है। नतीजतन सड़कों की चौड़ाई में बसाहटें बसती गई और ऐसे में उन्हें हटाना सरकारी एजेंसियों के लिए अब मुश्किल होता नजर आ रहा है। मास्टर प्लान शहर के विकास का मॉडल है और यह तभी सफल होता है जब शुरुआती मास्टर प्लान से ही विकास का क्रम शुरू हो। रायपुर में साल 1977 में मास्टर प्लान बनना शुरू हुआ था और तब अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से शहर विकास के दृष्टिकोण से अछूता रहा था। किसानों की परेशानियों को देखते हुए भूपेश सरकार ने फैसला किया है, 3 दर्जन से अधिक नए धान खरीदी केंद्र खोलने की अनुमति दे दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों के लिए 47 नए धान खरीदी केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। धान खरीदी केंद्रों में नियमों के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। दरअसल प्रत्येक जिले बात करें तो विभिन्न जिलों में कुल मिलाकर 3 दर्जन से भी अधिक यहां पर लगभग जो यहां पर धान खरीदी केंद्र है खोले जाने के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। खुद को एसटी बताया और नामांकन फॉर्म भरा गया, जोगी की बहू पर अब जाकर केस हो गया है। छत्तीसगढ़ की पूर्व सीएम का जाति प्रमाण पत्र गलत था, अब बहू का मरवाही उपचुनाव में जमा सर्टिफिकेट भी फर्जी बताया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी के खिलाफ गलत जाति प्रमाण पत्र पेश करने के मामले में FIR दर्ज की गई है। खुद को अनुसूचित जनजाति की बताते हुए ऋचा ने यह जाति प्रमाण पत्र साल 2020 में मरवाही उपचुनाव के समय शासन के पास जमा कराया था। राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति ने ऋचा जोगी के खिलाफ मुंगेली के सिटी कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया था और ऐसे में साल 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही विधानसभा सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी ने भी नामांकन दाखिल करते हुए चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश की थी, जिसमें उन्होंने ऋचा रूपाली साधु के नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी होना बताया था। लेकिन जून 2021 में उच्च स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति ने ऋचा जोगी के गोंड अनुसूचित जनजाति के स्थायी प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया था। खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी। कृषि उत्पादन आयुक्त ने बैठक में निर्देश जारी किया, कहा खाद बीज की आपूर्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने मंत्रालय में कृषि उद्यानिकी सहकारिता एवं बीज निगम के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर राज्य में चालू खरीफ रबी सीजन में फसलों की बुआई तथा किसानों को खाद बीज की स्थिति की समीक्षा की। कृषि उत्पादन आयुक्त ने अधिकारियों को खाद और बीज के वितरण व्यवस्था पर भी कड़ी निगरानी के साथ ही जिलों के डिमांड के आधार पर उर्वरकों एवं रबी फसलों की बीज का भंडारण सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने कहा कि किसी भी स्थिति में खाद बीज की आपूर्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। किसानों को उनकी डिमांड के आधार पर उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज और उर्वरक उपलब्ध हो, इसको सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री तामधर साहू ने की, जिसमें 21 राजनीतिक मामले वापस खाली जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनेंगे इसके बात करें। दरअसल प्रदेश भर में 37 लोगों से व साथ ही साथ राजनीतिक संगठनों ने जिलों में उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने के आवेदन दिए थे। इनमें से 21 राजनीतिक प्रकरणों की वापसी होगी। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने इसकी अनुशंसा की है। समिति की ओर से बुधवार को गृह मंत्री तामधर साहू की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें 37 विधि विभाग ने समीक्षा के बाद प्रस्तुत किए थे। ये प्रकरण जिलों से कलेक्टर और SP ने इस विधि विभाग को भिजवाए थे। विधि विभाग की अनुशंसा के बाद इन पर चर्चा की गई और इनमें से 16 मामलों को समिति ने ही वापसी के योग्य नहीं माना। हालांकि वापसी का अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा।
शराब पकड़ने के लिए पहुंचे पुलिस वाले खुद बंधक बन गए। गुस्साए ग्रामीणों ने पूछा कि आखिरकार मुखबरी कौन कर रहा है। एसडीओपी की समझाइश के बाद इनको छोड़ा गया। छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सलीहा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम में कोहा में बीती रात को अवैध शराब पर रेड कार्यवाही करने के लिए लगभग 5 पुलिसकर्मियों को शराब नहीं मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने इन्हें बंधक बना लिया था। इसके बाद इसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक राकेश कुकरेजा को दी गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने एसडीओपी बिलाईगढ़ जो संजय तिवारी है इनको मौके पर जाकर कार्यवाही करने की बात कही। वहीं बिलाईगढ़ एसडीओपी संजय तिवारी मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाइश देने के बाद पुलिसकर्मियों को छोड़ दिया गया। बता दें कि कार्यवाही के दौरान पुलिसकर्मियों को शराब नहीं मिली थी, जिससे आक्रोश में आकर ग्रामीणों ने मुखबिरी का नाम बताने के लेकर के पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया था। यात्रियों के समय की बचत होगी, साथ ही बात करें तो अब ट्रेनों की स्पीड वापस उनके गति के अनुसार होगी। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से नागपुर जाने वाली ट्रेनों में लगभग प्रदेश के सीमावर्ती पहाड़ों से जब ट्रेन गुजरती है तो उनकी स्पीड में बदलाव हो जाता है और स्पीड कम कर दी जाती है। बोर तालाब और पनिया जोब के बीच इनकी ट्रेनें अब जो है धीमी नहीं होंगी। यह वजह यह है कि तीसरी लाइन को मेन ट्रैक से लगभग 150 मीटर दूर बिछाया जा रहा है और इसमें एक टनल भी बन रहा है। तकरीबन 540 मीटर लंबी टनल 2024 तक बनकर पूरी होगी। इसकी लागत तकरीबन 67 करोड़ रुपए आएगी और रेलवे अफसरों के मुताबिक अभी बोर तालाब से पनिया जोब के बीच ट्रैक इतना घुमावदार है कि स्पीड कम करनी पड़ती है। तीसरा ट्रैक बनने के बाद उस पर ट्रेनें 80 से लेकर 110 की स्पीड से दौड़ने वाली हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें धर्मांतरण रोकने को लेकर के संघ के विस्तार और सत्ता में वापसी का मंत्र दिया। भाजपा नेताओं से भी मिले और जबलपुर इसके बाद रवाना हुए। बीते दिन पथ संचालन और बौद्धिक कार्यक्रम के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है आज बीते दिन सुभाष नगर सरस्वती महाविद्यालय में विभाग कार्यवाहक साथी विभाग प्रचारक और प्रांत प्रचारकों की मैराथन बैठक आयोजित करी, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए तकरीबन 60 से अधिक संघ के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। संघ प्रमुख ने अलग अलग जिलों के संघ के प्रचारकों से धर्मांतरण, संघ का विस्तार और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक भी लिया। भीतर खाने से जो खबर आ रही है उन्हीं में से 3 मुद्दों पर संघ प्रमुख ने लंबी चर्चा की। इनमें संघ का विस्तार, नई जगहों व ग्रामीण अंचलों में संघ की नई शाखाएं खोलने, साथ ही धर्मांतरण पर लगाम लगाने और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ लोगों को जोड़ने पर जोर दिया गया। एक साल में मारे गए 132 माओवादी नक्सलियों ने पीएलजीए की 22वीं वर्षगांठ पर बुकलेट जारी की, जिसमें दंडकारण्य में ही लगभग 89 साथियों को खोया गया। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों ने पीएलजीए की 22वीं वर्षगांठ पर 27 पन्नों का एक बुकलेट जारी किया, जिसमें माओवादियों ने इस बुकलेट के माध्यम से कबूल किया है कि साल 2021-22 में देश भर में कुल 132 माओवादी मारे गए। इनमें छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य यानी दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में कुल 89 लाल लड़ाकों की मौत की बात कबूली गई और यह पिछले साल का सबसे बड़ा आंकड़ा भी है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।